दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखो यहाँ पर पढ़ो, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस सेवन देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं वो लिख लेता हूँ, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, वाई स्क्वायर प्लस आगे क्या है माइनस टू को एक ब्रैकेट में ले लूँगा, उसके बाद वाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस सेवन एक ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। ये आपका जनरल फॉर्म में आ गया। और जनरल फॉर्म आपका अगर देखेंगे तो वो इस तरह से होगा, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जनरल फॉर्म हम लोग एक्स एक्स वेरिएबल के साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में वाई है इसलिए मैं वाई लगा दिया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल कुछ भी लगा सकते हो। वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब वन है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए की जगह पर आ गया वन, बी की जगह पर आ गया माइनस टू और सी की जगह पर आ गया है माइनस सेवन। तो यहाँ से आपको ए बी सी ये तीनों निकल गया है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है आपको कि आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा दिया है, ये पूछा है अल्फा बीटा के बारे में, कुछ तो पूछा है ना, तो अल्फा की वैल्यू निकालो। उन्होंने बोला है कि अल्फा और बीटा आपके दो रूट्स है। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, सॉरी अल्फा बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा बोले तो सम ऑफ द रूट्स जिसको बोलते, उसका फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए। क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर देखो क्या है, माइनस लूंगा, बी की जगह पर है माइनस टू और ए की जगह पे है वन, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा तो टू बन जाएगा, टू अपॉन वन का आंसर आता है टू। क्या आता है, टू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, टू आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई टू, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ पर है माइनस सेवन और ए की वैल्यू है वन, तो आपका आंसर आएगा माइनस सेवन। तो अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकल गया, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, एकदम सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब तक का स्टेप चल रहा है। आगे बोला है कि क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कहाँ से आएगा, देखो कहाँ से आएगा, आपको ये फॉर्मूला पता है ए प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर वाला, पता है ना, सबको पता है। तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, बस ए बी की जगह पे अल्फा और बीटा रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा द ब्रैकेट स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सिंपल। अल्फा प्लस बी द ब्रैकेट स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बी का वैल्यू क्या है, टू है, तो अल्फा प्लस बी की जगह पर डाल दूंगा टू का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, सॉरी इक्वल टू आएगा ना, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, प्लस टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस सेवन, तो यहाँ पर डाल दूंगा माइनस सेवन, ठीक है। टू का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, फोर, फोर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ठीक है, पहले एक मल्टीप्लाई कर दो, सेवन टू जा फोर्टीन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, मल्टीप्लाई में एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, आंसर निगेटिव में आता है, माइनस में आता है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो माइनस फोर्टीन क्या कर रहा है उधर, उसको इधर लेकर आओ ना, क्या करो इसको इधर लेकर आ जाओ, तो माइनस फोर्टीन को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँगा तो प्लस फोर्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में मेरा हो गया फोर प्लस फोर्टीन, राइट साइड में होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फोर्टीन और फोर को प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा एटीन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 18 आ गई। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 18 है। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन सिक्स का सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो सेम है, सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा भी वही रहेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी वही रहेगा। अब आपको यहाँ पर क्यूब आ गया, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी द ब्रैकेट क्यूब, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका ए प्लस बी द ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है। बस यहाँ पर ए और बी की जगह पर अल्फा बीटा रहेगा, तो यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा द ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा, ये बीटा क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, टू है, तो यहाँ पर डाल दूंगा टू द ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब,
वैसा का वैसा रहेगा, बीटा क्यूब वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। 3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करूँगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब वैसा का वैसा रखना पड़ेगा आपको, प्लस प्लस है। ठीक है, 7 3 21, ये तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, 21 2 42। हाँ, और एक बात, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, -42 उठाकर इधर लाऊँगा क्या, ताकि नंबर एक तरफ हो जाए, तो -42 लेफ्ट साइड में आएंगे, +42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +42। तो आपका बच रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 42 में 8 मिलाएंगे कितना बचेगा, कितना मिलेगा 50। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 50। तो ये फाइनल आंसर आपका यहाँ पर आ गया 50। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना।